तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के डिवोर्स के बारे में। तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा ना, अभी फ्लाइंग बीस्ट का डिवोर्स हो गया, ऐसा कंफर्म भी कर दिया है रितु राठी ने। और गाइस अगर आपको नहीं पता कि रितु राठी एंड फ्लाइंग बीस्ट का डिवोर्स क्यों है, तो जाके आप प्रेमानंद जी का वीडियो देख सकते हो। उसमें रितु राठी ने पूरा एक्सप्लेन किया है ना कि उनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने क्यों डिवोर्स लिया फ्लाइंग बीस्ट से। गाइस अलवी शादा भी बात करे रितु राठी एंड फ्लाइंग बीस्ट के डिवोर्स के बारे में अपने रिसेंट ब्लॉग में, वो अपना कुछ ये ओपिनियन दिए ना इस चीज पर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप देख लीजिए। अपना ये है कि जैसे हम सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ दिखाते हैं, हम 24 घंटे जीते हैं और मान लो 10 मिनट का व्लॉग हमने निकाल दिया, तो उस 10 मिनट में जरूरी नहीं कि हमने अपनी 24 घंटे की लाइफ दिखानी है। क्या पता वो 2 घंटे में भी हमने कवर कर लिया हो, क्या पता हमने 4 घंटे में कवर कर लिया हो, और बाकी की हमारी जो अनकट जिंदगी है, मतलब जो हम खुद की पर्सनल लाइफ है, उसको हम कैमरे पे ना दिखाते हो सकता है, और जो कि होता भी है, टाइम बढ़ता जा रहा है, जो कि होता भी है। तो बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी होती है कि सामने वाला क्रिएटर जो यूट्यूब पे अपनी लाइफ दिखा रहा है, ये अपनी सारी चीज़ें हमसे शेयर करेगा, जो कि नहीं होता है ऐसा। मान लो आप अपने आप को भी रख के देखो किसी की जगह, कि अगर आप कोई कंटेंट शूट करते हो तो आपके हर चीज़ दिखाओगे? द आंसर इज ऑब्वियसली नो भाई। पर्सनल जिंदगी होती है, किसी का पर्सनल ट्रॉमा होता है। तो मेरा बस यही मानना है कि उस हिसाब से किसी को जज मत करो, अपनी जिंदगी जियो, मौज लो और हंसो खुश रहो, मौज करो। मतलब जो कंटेंट देख के आपको खुशी मिलती है, हंसी मिलती है, उसको देखो रैदर देन किसी भी चीज पे कमेंट करने से। समझ रहे, कुछ गलत कही थी भाई। जनता में कमेंट तो मारेगी, उसमें क्या होगा? नहीं, वो अलग चीज है, कमेंट मारेगी नहीं मारेगी, बट फिर भी मतलब लोगों को समझना चाहिए थोड़ा। हम भी तो बेवकूफ थे पहले, अब देखो ग्रो हो गए ना, हम भी देखो मैच्योर हो गए ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।